हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि न्यूज़पेपर में खबर छपी है और यहां पर जो है लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी पहली काउंसलिंग में अनुपस्थित थे उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो है खबर जो है न्यूज़पेपर में छपी है, पटना में जागरण संस्करण में जो है छपी है। तो ये न्यूज़ क्या है इसको जो है अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम कह देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि ये खबर क्या है कि दोबारा जो है काउंसलिंग में आपको अनुमति नहीं मिलेगी अगर आप पहली काउंसलिंग में जो है अनुपस्थित थे। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी और ये जो है दैनिक जागरण में छपा है पटना संस्करण में। यहाँ पर जो है एक तरफ रेड कलर से लिखा हुआ है शिक्षक नियोजन और उसके नीचे लिखा है कि काउंसलिंग में आधे से अधिक सीटें रह गई खाली, जिले में 13 शिक्षकों का ही चयन हुआ। और उसके बाद रिक्त सीटों पर अगले चरण की काउंसलिंग में दूसरी मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये दो पॉइंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आइए इस न्यूज़ को पूरा देख लेते हैं। शिक्षक नियोजन के लिए सोमवार को आयोजित काउंसलिंग के बाद आधी से अधिक सीटें खाली रह गईं। 35 रिक्त सीटों पर मात्र 13 शिक्षकों का ही चयन हो पाया। अब उनके प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार रिक्त सीटों पर अगले चरण की काउंसलिंग में दूसरी मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं पहले मेधा सूची में नाम न होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। सोमवार को राजधानी में 3 केंद्रों पर काउंसलिंग आयोजित की गई जिसमें 52 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। राजधानी के शास्त्री नगर बालक हाईस्कूल पर आयोजित काउंसलिंग के उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अभी इसका पूरा माजरा क्या है ये हम आपको अपने जो है समीक्षात्मक वीडियो में जो है समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि ये मैटर क्या है और ये किस प्रकार से जो है एक्टिवेट होगा या प्रोसेस में आएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।